आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी जिले में मौसम का मिजाज किस तरह का रह सकता है आने वाले दो दिन, अर्थात बुधवार 15 मार्च और बृहस्पतिवार 16 मार्च 2023 को। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से महेश रावलानी की रिपोर्ट, महेश रावलानी के द्वारा मौसम विभाग के सूत्रों से जो जानकारी उन्हें प्राप्त होती है वो आपके साथ साझा की जा रही है। वैसे 14 मार्च मंगलवार को दिन में बारिश कहीं कहीं आपने देखी होगी। 15 और 16 को मौसम कैसा रहेगा ये हम आपको बताने जा रहे हैं। वैसे मौसम विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि इस पूरे हफ्ते बारिश की उम्मीद बनी हुई है, कहीं एक दौड़ बनी हुई है जिसके कारण कुछ सिस्टम बना हुआ है जिसके कारण बारिश होने की संभावनाएं सिवनी में हैं। 14 और 15 मार्च की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग सिवनी में आसमान आपको लगभग साफ दिखाई दे रहा होगा और इसके उपरांत सुबह तक कहीं बारिश की उम्मीद नहीं। 12 बजे दिन तक मौसम हल्के फुल्के बादल छाए रह सकते हैं पर बारिश की कहीं उम्मीद नहीं है और शाम को लगभग 4 बजे के बाद फिर कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है और हल्की फुल्की कहीं कहीं बहुत ही हल्की फुल्की बूंदाबांदी की उम्मीद। रात 9 बजे के उपरांत भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी की उम्मीद। इसके उपरांत 16 मार्च को 12 और 1 बजे रात के बीच, अर्थात 15 और 16 मार्च की दरमियानी रात सिवनी बरघाट, अर्थात सिवनी से अगर आप पूर्व की ओर जाएं और दक्षिण की ओर जाएं या दक्षिण पश्चिम की ओर जाएं तो यहाँ हल्की फुल्की बूंदाबांदी की उम्मीद मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा बताई गई है, जो सुबह 3-4 बजे तक जारी रह सकती है। 4 बजे के उपरांत लखनादौन, कहानी, घनसौर, छपारा, सिवनी, यहाँ पर बूंदाबांदी कई जगहों पर होने की उम्मीद लगभग 1 से 1.5 घंटे चल सकती है। और बृहस्पतिवार 16 मार्च को दिन में 10 बजे के बाद बरघाट, अरी गंगेरुआ, कुरई खवासा और इन क्षेत्रों के अलावा छपारा से अगर आप पश्चिम की ओर, छिंदवाड़ा की ओर जाते हैं तो वहां पर भी बूंदाबांदी की उम्मीद मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा बताई गई है। और 1 बजे के बाद बारिश का वेग बढ़ सकता है पूरे जिले भर में। लगभग 12-12.5 बजे के बाद बारिश थोड़ा सा तेज हो सकती है संपूर्ण जिले में। बृहस्पतिवार 16 मार्च 2023 को 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में अच्छी खासी बारिश की उम्मीद मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा जताई गई है। और 4 बजे के उपरांत लगभग 7 बजे तक बूंदाबांदी जारी रह सकती है मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से महेश रावलानी की रिपोर्ट। और इसके उपरांत 16 और 17 बृहस्पतिवार और शुक्रवार की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की उम्मीद। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। इसके उपरांत अब हम आपको तापमान दो दिन किस तरह का रह सकता है ये बताते हैं। तापमान के बाद हवाओं की गति और दिशा के बारे में आपको बताएंगे। तापमान की जानकारी देने के पहले हम आपको बिजली की कड़कन और तड़कन के बारे में बताना चाहेंगे। रात 12 बजे 14 और 15 मार्च की दरमियानी रात 12 बजे के बाद 15 मार्च को लगभग 5 बजे शाम को अगर आप सिवनी से दक्षिण पश्चिम की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर, अर्थात चक्की खमरिया गोपालगंज से अगर आप चक्की खमरिया तरफ जाते हैं तो यहाँ हल्की फुल्की बिजली की चमक दिखाई देने की उम्मीद जो 7-7.5 बजे तक रह सकती है। बृहस्पतिवार 16 मार्च को, बृहस्पतिवार को 16 मार्च है और 16 मार्च को बिजली की कड़कन तड़कन की क्या स्थिति रहेगी। 10 बजे के बाद केवलारी, कानीवाड़ा, कहानी, घनसौर, लखनादौन, इन जगहों को छोड़कर बाकी संपूर्ण जिले में बिजली कड़क भी सकती है और चमक दिखाई भी दे सकती है 10-10.5 बजे के बाद 2 बजे के लगभग लगातार आपको बीच बीच में दिखाई देगी। और धूमा बरेला लखनादौन के आसपास, कहानी के आसपास, घनसौर के आसपास और बिजली का कड़कन तड़कन थोड़ी ज़्यादा सुनाई दे सकती है और 2 बजे के लगभग धूमा और बरेला में बहुत ही तेज कड़कन तड़कन सुनाई दे सकती है
ये 2 बजे से 3 बजे के बीच। इसके बाद फिर रात को 12 बजे तक अर्थात 16 और 17 मार्च की दरमियानी रात 12 बजे तक, फिर उसके बाद हल्की फुल्की कहीं कहीं अगर बिजली की गर्जना तो नहीं सुनाई देगी, कहीं चमक दिखाई दे तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब हम आपको तापमान के बारे में बताएं। 14 और 15 मार्च की दरमियानी रात जिले भर में तापमान 21 से 23 डिग्री तक सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद। सुबह 5 बजे के लगभग जिले भर में तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। 8 बजे के लगभग हल्की फुल्की उमस के साथ तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। 11 बजे के बाद बुधवार 15 मार्च को 11 बजे के बाद थोड़ी गर्मी आपको ज़्यादा महसूस हो सकती है। 31 से 32 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचने की उम्मीद, जो 1 बजे तक भी इसी तरह का तापमान रहने की उम्मीद। 4 बजे के लगभग तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद। शाम को रात 9 बजे के लगभग जिले भर में तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद। और 15 और 16 मार्च की दरमियानी रात जिले भर में तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच, अर्थात आपको हल्की फुल्की गर्मी महसूस हो सकती है। सुबह 4 बजे के लगभग 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। 10 बजे के लगभग ये बृहस्पतिवार को 10 बजे के लगभग तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद। 1 बजे के लगभग बृहस्पतिवार 16 मार्च को जिले भर में तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। शाम 5 बजे जिले भर में तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच, और 9 बजे रात को तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद। इसके बाद 16 और 17 मार्च की दरमियानी रात तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से महेश रावलानी की रिपोर्ट। अब हम आपको इसके बाद हवाओं की दिशा और गति के बारे में बताते हैं। 14 और 15 मार्च की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग हवाएं बहुत ज़्यादा तेज चलती हुई आपको प्रतीत नहीं होंगी। सुबह 7 बजे तक हवाएं लगभग थमी रहने की उम्मीद, और 1 बजे दिन तक भी लगभग हवाएं थमी रह सकती हैं, जो पूर्वानुमान मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा दिया गया है। और बुधवार 15 मार्च की रात लगभग 8 बजे के बाद पश्चिम से पूर्व की ओर हवाएं चल सकती हैं, और हवाओं में हल्की फुल्की गति, अर्थात आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि 9 बजे से 11 बजे 12 बजे के बीच में ध्वजा हिल रही हो, दरख्तों के पत्ते हिल रहे हों, और 1 बजे के लगभग हवाओं की गति थोड़ी सी अधिक तेज हो सकती है, साएं साएं हवा चल सकती है। सिवनी कानीवाड़ा, सिवनी छपारा, सिवनी बरघाट के बीच में हवाएं थोड़ी सी हल्की तेज रात 1 बजे के लगभग चल सकती हैं, और ये हवाएं रात 1 बजे के बाद सुबह 4 बजे तक इसी तरह चलने की उम्मीद। 16 मार्च 2023 को लगभग 10 बजे के बाद हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, और हवाओं वैसी ही हवाएं लगभग चल सकती हैं जैसी रात में आप महसूस करेंगे। 14 और 15 मार्च की दरमियानी रात जैसी आपने महसूस करी हल्की सी तेज गति की हवाएं, 1-1.5 बजे तक ये हवाएं इस तरीके की चलने की उम्मीद, और उसके बाद हवाएं लगभग थमी हुई प्रतीत हो सकती हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा मौसम का जो भी पूर्वानुमान संकलित किया गया है वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि महेश रावलानी के द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान अब तक सूत्रों के हवाले से दिया गया है वो 95 से 99% तक सही साबित होता आया है। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये सारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।